वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम फोर्ट से अभी नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारे ये पीछे रघुपुर फोर्ट है और फोर्ट की तरफ से अभी हमारे कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जैसे आसमान पूरा धुंधला है, खुला नहीं है, और यहाँ पे भी कहना है कि 6:30 से 7 बजे तक सनसेट होगा। तो देखते हैं, अभी 5:30 बजा हुआ है, तो अगर आसमान क्लियर हो जाता है तो सनसेट का व्यू दिखा पाऊँगा। अब कितना होगा पता नहीं, क्योंकि जब हम लोग पांडुरुबा के लिए निकल रहे थे बारिश हो रहा था, मैं ड्रोन भी लेके नहीं निकला इसलिए, और मेरे गोपाल, राधिका और गणपति दादा, मतलब बड़ा गोपाल, ये अभी तक टेंट पे ही बैठा हुआ है, बारिश के लिए उनको लेके निकला नहीं। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों, टेंट की तरफ फिर से हम लोग आ चुके हैं। ये पीछे हमारा टेंट वाला एरिया है और आगे ये पूरा मिड हाउस बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे वो जो एक पिलर के बगल में टेंट दिख रहा है जहां पे हमारा गौ माता क्रॉस कर रही है अभी, तो वो स्टार गेजिंग वाला टेंट है हमारे लिए। लेकिन स्टार कितना दिखेगा पता नहीं, आसमान में बादल बहुत है। आज रात भर इस रघुपुर फोर्ट के टॉप में 360 डिग्री साइड पे हम लोग यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं टेंट में। और आज के दिन यहाँ पे, आज का डेट क्या है, 1st of September, आज के दिन यहाँ पे एक भी, हम दोनों को छोड़ के कोई एक भी एक्स्ट्रा टूरिस्ट नहीं है। मतलब ये पूरे रघुपुर में आज सिर्फ मैं और प्रियंका ही अकेले टेंट करने वाले टूरिस्ट है, 11,800 फीट ऊपर। तो चलिए, आया ना मजा? ये मजाक नहीं था।
रात में अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं, मैं टॉर्च लाइट लाया हूँ। अगर आपको ऐसे ही पहाड़ में ट्रेक करना है, नाइट स्टे करना है टेंट करके, कैंप करके, तो आप ज़रूर टॉर्च लाइट या तो हेड टॉर्च, जो हेड टॉर्च आता है डिकैथलॉन या कोई स्पोर्ट्स शोरूम में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीद लो। और बैटरी बैकअप, पावर बैंक सब कुछ कैरी करो, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और हमारा टेंट भी दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग आज नाइट स्टे करेंगे। ये हमारा वनवास कैंपिंग रघुपुर, ये ऊपर की तरफ मेरा टेंट लगा हुआ है जहाँ पे मैं आज रात को मैं और प्रियंका स्टे करूँगा। ये स्टार गेजिंग वाले टेंट है। ये पूरा 360 डिग्री व्यूज है भाई, आप लोग देख सकते हो, ये पूरा 360 डिग्री व्यूज है। बहुत बढ़िया सा यहाँ पे नज़ारा दिखता है। दोस्तों ये जो टेंट दिख रहा है स्टार गेजर, इस टेंट में ही हम दोनों आज रुकेंगे रात में। यहाँ पे सब कुछ है, मोटा मोटी सब कुछ दिया ही हुआ है और ऊपर से पूरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, देखिए है ना बढ़िया। और यहाँ पे वो एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है। ये जो है ये वॉशरूम है, ये है ना भाई जी, ये वाला है, ये जो ब्लू कलर का है ये वॉशरूम बना हुआ है। तो देखो बाथरूम में बैठना भी आपको 360 डिग्री व्यूज में ही मिलेगा, ऐसा सुंदर व्यूज में बैठ के सुबह सुबह पेट खाली करना भी बड़ी बात नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक, देखो वाह कितना सुंदर 360 डिग्री के व्यू है। और ये हमारा वॉशरूम है टेंट के, बाकी टॉर्च लाइट तो है, टॉर्च लाइट लेके आप लोग आ सकते हो, वो सामने ही कैंप है, ठीक है। तो चलिए चलते आगे की तरफ, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बैठ जाऊँ। भाई जी लकड़ काट रहे रात को जलाने के लिए,
दोस्तों अभी बजा है शाम का 6:45 मतलब 6:45 राइट नाउ, एंड मैं आप लोगों को सनसेट दिखा तो नहीं पाया। ये देखो आसमान पूरा रेड कलर का हो गया, इस तरफ ही सन सेट हो रहा है, चारों तरफ धुंध और धुंध और धुंध, मतलब बहुत धुंधला सा है ये। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा फीलिंग आ रहा है और थोड़ा सा हवा का साउंड आ सकता है तो उसके लिए माफ़ करना। रघुपुर फोर्ट में कैंपिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग है। जैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ तो आप लोग अगर ट्रैवल ब्लॉगर हो, अगर ट्रैवल लवर हो तो ज़रूर यहाँ पे आना, और अगर ब्लॉगर हो तो जो जो चीज़ मैं इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हूँ तो वो चीज़ को फॉलो करके आना। देखो ये धीरे धीरे शाम हो रही है और ये पहाड़ का नज़ारा, मतलब मेरे लाइफ में पहली बार मैं कोई पहाड़ के ऊपर ऐसे टेंट में स्टे कर रहा हूँ और बहुत ही ऊपर है, बहुत सुंदर है। धीरे धीरे अंधेरा होता रहेगा, ऑलरेडी मेरा फेस लाल लाल हो गया है अंधेरे में, और एक बहुत सुंदर सा वाइब्स आ रहा है।